क्लास 11 आज हम लोग फाइलम मोलस्का के बारे में पढ़ेंगे। फाइलम मोलस्का में आप यूनियो और फाइला को स्टडी कर। फाइलम मोलस्का में सारे वो जंतु आते हैं जो जलीय होते हैं, फ्रेश वाटर भी होते हैं और मरीन वाटर भी होते हैं। इनका बॉडी सॉफ्ट होता है और ये ऑक्टोपस दिखाया गया है आपको, ये ऑक्टोपस है और इनका बॉडी सॉफ्ट बॉडी के ऊपर कवच होता है, हार्ड मेंटल जिसे कहते हैं। ये आपका ऑक्टोपस है और ये जो अभी दिखाया था ये यूनियो कहलाया जाता है। मोलस्का के जंतुओं का शरीर कोमल, अखंडीय, द्विपार्श सममिति तथा त्रिस्तरीय होता है। शरीर के चारों ओर त्वचा का एक पेशीय आवरण होता है, मेंटल कहते हैं उसे, तथा शरीर व मेंटल के बीच के स्थान को मेंटल गुहा या मेंटल कैविटी कहते हैं। प्रायः मेंटल के वाहे पर एक सख्त, ये देख रहा आपको, ये कैलकेरियस खोल होता है, शेल होता है। इसमें सिर और विसरल मास यानी कि अंतरांग पिंडक तथा फुट में भिन्नता होती है। पाद यानी कि फुट प्रायः पेशीय अथवा एवं अधर होता है तथा यह रेंगने, मिट्टी खोदने व शिकार पकड़ने के लिए विभिन्न प्रकार में से रूपांतरित हो जाता है, जैसे ये आप ऑक्टोपस में देख रहे हैं। पाद यानी फुट जो है ये रूपांतरित इसमें दिख रहा है ऑक्टोपस में। अगर सिर स्पष्ट होता है तो उस पर नेत्र तथा स्पर्शक होते हैं जो आपको ऑक्टोपस में, ये देखिए नेत्र दिखाई दे रहे हैं, तथा मुख में रेडुला होता है। इसमें सीलोम केवल पेरिकार्डियम तथा जनदो यानी गोनेट्स की गुहाओं के रूप में होती है, गुहा मतलब कैविटी, तथा देह गुहा बॉडी कैविटी हीमोसील होती है। परिवहन यानी सर्कुलेटरी सिस्टम लैक्यूनर प्रकार का होता है। श्वसन अंग रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्लोम व टेनिंडिया होते हैं। कुछ प्राणियों में फेफड़े के समान पल्मोनरी कोश यानी पल्मोनरी सैक पाया जाता है। ये पृथक लिंगी प्राणी है किंतु कभी कभी नर एवं मादा जनन अंग एक ही प्राणी में पाए जाते हैं। पृथक लिंगी का मतलब मादा अलग और नर अलग। जनद प्रायः एकल होते हैं, गोनेट्स, जनद को इंग्लिश में गोनेट्स कहते हैं। अंडों का निषेचन बाह्य या आंतरिक भी हो सकता है। अधिकांशतः ये अंडे देते हैं किंतु कुछ वाइविपेरस भी होते हैं, हिंदी में वाइविपेरस को जरायुज कहते हैं। वर्धन यानी कि डेवलपमेंट प्रत्यक्ष होता है, डायरेक्ट होता है, अथवा फिर इसमें वेलिजर लार्वा पाया जाता है।